हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा जोशी। बड़ों को मेरे नमस्कार, छोटों को मेरे प्यार। और मैं शुरुआत करती हूँ इस ब्लॉग की कि बर्तन मेरे धुल गए हैं और खाना भी मैंने बना दिया है दिन का, और सुबह के बर्तन मैंने धो लिए हैं। और अब मैं ज़रा पहला देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको आगे। गुल्लू भी सो नहीं रहा है, काम नहीं करने दे रहा है। किचन का काम हो चुका है फिनिश, और थोड़ा सा मैं अपने बाल बना लेती हूँ क्योंकि मैंने अपने बाल नहीं बनाए हैं। तो फाइनली बना दिए मैंने अपने बाल जल्दीबाजी में। अब करते हैं हम अपने आगे का काम। तो चलो निकालते हैं अपने लिए खिचड़ी। आज मैंने अपने लिए खिचड़ी बना रखी है, मूंग और चावल की। ये है मूंग दाल की खिचड़ी। और खिचड़ी खाने का तो मन करता नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है मूंग दाल की खिचड़ी, तो कभी कभार खानी चाहिए ताकि सेहत थोड़ा सही रहे। और इसलिए इसको मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ, मिल देती हूँ आपको बाद में। फाइनली खिचड़ी हो गई है फिनिश, बड़ी मुश्किल से। मन तो नहीं कर रहा था पर मैंने खाया। अब धोते हैं जरा बर्तन। बर्तन धो के मैं एक किनारे करती हूँ, मिलती है अब आपको बाद में। अब कर दिए किचन की सफाई, बर्तन बर्तन धो के भी एक किनारे हो चुके हैं, किचन की सफाई हो चुकी है। अब कराया मैं अपने लिए पानी गरम, क्योंकि मैं गर्म पानी पीती हूँ, ठंडा पानी मुझे खपता नहीं है। गर्म पानी भी हो चुका है। दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। धूप लगी और आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज लगी है। और ये ततैया यहाँ पे बहुत आते रहते हैं, ये काटेंगे किसी दिन। इस वाले पेड़ पे ततैया का गोल है, छत्ता है, और ये यहाँ पे आते रहते हैं। किसी दिन ये मुझे ही काटेंगे, और किसी को तो क्या काटेंगे, मुझे ही काटेंगे। और गुल्लू के कपड़े भी अब सूख चुके हैं, तो मैं इनको उठा लेती हूँ जो सूखे हैं।
ये रहा मेरा तुलसी का पौधा, थोड़ा बड़ा हो चुका है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। टाटा बाय बाय। और इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टाटा बाय बाय।